आदाब नमस्ते जय हिंद मालको अपा ऊटी से हूँ अपा निकल लगे हाँ वल्लभ भराई की तरफ। तो आज हमारा जो स्टे है वो वल्लभ भराई में है और आज बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे हमें रास्ते च देखने को मिलेंगे। तो अपा तैयारी खिंच ली है, गैंग रेडी है, तो अपा निकल चुके हैं। हूँ ठंड थी रात को, मुझे लग रहा था कि नहीं होगी, बट यार कैड़ी ठंड सी रात थी। रात को मज़ा आया, सुबह सुबह उठ के हमने जल्दी से ड्रोन शॉट भी ले लिए। ज़्यादा इतना एक्सप्लोर नहीं किया ड्रोन से, बिकॉज एक दो शॉट लेने थे, क्योंकि प्रॉपर्टी की जो लोकेशन थी बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। तो तुम जो वीडियो वेखोगे थानू आप ही पता चल जाना है कि गल कर रहा सी मैं। इट वॉज़ वर्थ टेकिंग रिस्क। यार शुरली नू देओ कोई अज कोई मत सेटिंग चेंज की। चलो जी, व्यू अच्छा सी, सारे खड़ो के फोटो खिंच रहे हैं छेती छेती। बस हूँ निकलिए, क्योंकि सवेरे सवेरे निकलना ज़्यादा बैटर रहता है, क्योंकि दिन के हिसाब न फिर टेंपरेचर वाधा रहेगा, फिर गर्मी भी ज़्यादा वध जानी है। अगे होर बथेरे पॉइंट्स आने जिते फोटो खिंचनी, इस करके एक और आए पिछों दी स्टाइल है लोगों का, इतने जान दो कितने कितने ना पगे लाओगे। भाजी डॉग है छोटे छोटे, ध्यान रखियो यार। हाँ, ऊटी तो निकल के पहला बड़ा शहर कोयंबटूर एंटर करके हाँ, तो अद्धा ग्रुप साडा निकल गया। असं पिछे आराम नाल आ रहे हैं नज़ारे लेते हुए फोटो खिंचते हुए, क्योंकि आन का फायदा तो ही है जब तक कि तुम नज़ारे लो। जो नज़ारे ना ला पाए फिर की फायदा इन्ना पैसे पुट के भी। ऐसा रोड पर ऐसी स्पीड लगाने को नहीं मिलती, तो बाइकर के लिए बड़ा जरूरी होता है, खासकर ऐसी बाइक ऑर्डर के लिए वो उस तो एक्सीलरेट करें। अभी 100-110 चल रही है, तो कुछ सुख का साह आ रहा है। भाजी नूं भी हवा बज रही है, वरना तो गर्मी का बुरे हाल हो गए। सो अभी लकीली क्या हुआ कि हम जब सवेरे निकले और हम तीनों अपने ही रूट से, मतलब सेम रूट से जिस रूट पे ओरिजिनली डेस्टिनेशन को आना था उसी रूट पे थे, और जो बाकी जो गैंग था वो किसी कुछ लॉन्ग रूट पे पड़ गया। अब वो हमसे कम से कम 1-1.25 घंटे की दूरी से पीछे हैं। तो हूँ असी अगे जा रहे हैं, अगे बहुत चंगे चंगे व्यू आने हैं, अगे डैम आना है, एक अगे कुछ फॉल्स आने हैं, तो उत्थे अपना फोटो फूटो खिंचांगे। तो इस करके अपना टाइम सिर पहुँच के अपना इंजॉय करांगे। बाकी विक्रम भाजी साढ़े पिछे रह गया है, और पूरे रस्ते 40 बेंड्स जिन्हों लूप्स भी कहते हैं वो आते हैं। 36-37 बार चल रहा है, मुक गया समझो। बहुत सोहनी जगह, बहुत सोहनी जगह, बहुत ही साफ सुथरी सोहनी ते ठंडी जगह है। आप सारे बोलते हैं साउथ इंडिया बड़ा गर्म है, बट है कुछ ऐसे इलाके जिथे हवा पानी बिल्कुल इस वाले पहाड़ों वर्गा ही होंगे, हिमाचल वर्गा ही। तो हमने असं निकल के हूँ तो थले आ रहे हैं, बट जो उत्ते चढ़ रहे थे बिच हवा बहुत ही अच्छी ठंडी एकदम वधिया लग रही थी। सो मैं तो वैसे भी सारा मैश ही पाया है। हाँ सही गल है, तो जी वल्लभ भराई अपना पहुँच गए हैं। हूँ करांगे लंच,
ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਸ ਆ ਹੈ ਦਸੀ ਨਾ ਭਾਜੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੈਜ ਨੌਨ ਵੈਜ बिरयानी है ठीक है। A few moments later. चलो 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 थ्री फोर फाइव सिक्स हो गया वन मोर मोर इत्थे सफारी वास्ते वॉकिंग सफारी है बेसिकली टोटली जंगल हैगा इधर ते नाले टी स्टेट है देख लो तुसी चारों तरफ पूरी दी पूरी टी स्टेट है प्राइवेट लैंड है ते असी ट्रेसपासिंग कर रहे हैं बट आई गैस इन्हां दे कोई नो नहीं हैगे है इट्स नॉट अ ट्रेसपासिंग सो जंगल सफारी बाय वॉक शायद कल करांगे या फिर शामी होने जावांगे इट्स ऑल डिपेंड वीर सारे घूम रहे हैं एंड मौजा ले रहे हैं मगर साहब किदा रहा थोड़ा दिन आज बहुत बढ़िया दिन रहा आप टी एस्टेट के अंदर ऑफ रोडिंग करते हुए आए हम देख लो इट वाज अमेजिंग देख लो ब्यूटीफुल डे हॉर्न गिरा लिया हाँ एडवेंचर दसिया नहीं चलते चलते हॉर्न गिर गया बजाई जा रहे भैं बजी नहीं है कहीं कुछ नहीं अंदर सो आज फुल एडवेंचर होया भाई साहब कहाँ से फुल जंगल सफारी ऑन वॉक बाय वॉक स्टार्ट हो गई है कॉफी बीन सो नॉट बीन हार्वेस्टेड फॉर 2 इयर्स ओल्ड वन इज ऑलरेडी आ जाएगा एवरी सीजन नाउ इट्स यू नो मोर देन कॉफी बीन्स पुरानी है हाँ जी आसी साड़ी जंगल सफारी काफ़ी कुछ देखा काफ़ी कुछ टी स्टेट च जाके फोटो वगैरह खिंचवाई जंगल सफारी वॉज दी ज़्यादा एडवेंचर सी बाय फुट मज़ा आया थोड़ा जहा उन्होंने घुमाया दिखाया कि लाइक आई नो अभी दस रहे थे कि जे एलीफेंट आ जाए तो जे हाथी आ जाए तो टाकरा हाथी ना हो जाए तो की करना आ सो की है कि सारा हिली एरिया आ जे थोड़े बाय चांस थोड़े सामने कोई जंगली हाथी आ जाता है तो तुसी अपनी जान बचाने वास्ते पहाड़ी के उपर नहीं चढ़ना पहाड़ी तो थले दौड़ना है क्योंकि हाथी जा जड़ा जानवर है वह बड़ा भारी जानवर है वह जो पहाड़ तो थले उतरते हुए वह बैलेंस नहीं बन पाता तो थले नहीं उतरता थले नहीं दौड़ता बट जे ही दौड़ना हो उपर वह आसानी नाल कर सकता है तो बस छोटी मोटी चीज़ें सी कॉफ़ी बीनस दे प्लांट देखे उत्थे सो आ दिखाव तू मैं कॉफ़ी बीनस आप उतों लैके आए हैं सो हम पता नहीं नज़र आ रही है नहीं आ रही आ बीनस ने कॉफ़ी के बीनस ने सो बस अज का दिन इधर ही है डिनर हो गया हम सौन की तैयारी बहुत थके हुए हैं तो बस हम मैं सौंदा वा अज का ब्लॉग मैं इतें ही एंड करता वा आई होप तू मेरा अज का ब्लॉग पसंद आया होएगा प्लीज़ लाइक करो शेयर करो कमेंट करो तो जुड़े रहो ये मैं थोड़ा वीर इजाजत लेंदा वा तो अपना ख्याल रखियो टेक केयर बाय बाय सत श्री अकाल।